जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम। सॉरी इज इट क्लियर? इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम। टोटल डेब्री दोनों मेथड में रिमेंस, कोई फर्क? और इधर ज्यादा, इधर इक्वली, और उधर मोर से लेस। इसको एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेब्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेटेड मतलब शुरू में ज्यादा, एक्सेलरेट फास्ट, फिर स्लो स्लो स्लो, एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? इसका एक और नाम है डीबीएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग। उसके तीन नाम याद है आपके एफआईएम के? स्ट्रेट लाइन, ओसीएम, एसएलएम। इसके तीन नाम है आरबीएम, डीबीएम, डब्ल्यूडी। RBM is reducing balance, DBM is diminishing balance and WD is written down value. Is it clear? मुझे एक बात बताओ, FIM में जो रेट होगा, FIM में जो रेट होगा, RBM में वही रेट कितना हो जाएगा? Approximately double. आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको सब में दिया हो। अच्छा, रेट किस पे अप्लाई करना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे की रिटर्न डाउन। एफआईएम में किस पे करते हो? आरबीएम में किस पे करते हैं? रिटर्न डाउन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम एवरी ईयर और कीप ऑन डिक्रीज, कीप ऑन डिक्रीज। व्हाई डू वी डू दिस? ऑन व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज आरबीएम सूटेबल? रिपेयर मेंटेनेंस। लॉजिक समझा उसका? रिपेयर फॉलो असेंडिंग और क्या ट्रेंड, ये फॉलो डिसेंडिंग, तो टोटल इम्पैक्ट इज नल। एफआईएम में वो पॉसिबल? एफआईएम कौन से एसेट्स पे सूटेबल है? नेग्लिजिबल, बराबर है, इंटेंजिबल्स बिल्डिंग। सो वी स्टॉप ऑन दिस पॉइंट। आपको सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। होमवर्क से बुक दिखाओ, जाओ होमवर्क नहीं किया तो 200 रुपया ला। नया साल